नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएस सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑल राउंडर बीएसएस। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि एक मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने सबको एक बार चेक किया, लेकिन 2016 का पेपर मुझे यूनिक लगा और अच्छा लगा और शायद ये आपके लेवल का भी है ना। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। ये तो पार्ट वन है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा है कि सॉल्व करते करते शायद 7 या 8 वीडियोज भी बन सकते हैं। तो आप सारी वीडियो जरूर वॉच कीजिए। 6 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो उसे जरूर अच्छे से फाइट कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर बीएसएस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है पार्ट ए, वो होता है पार्ट ए। अब ये पार्ट ए क्या कहता है? पार्ट ए में आपकी होती है मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, जिसको कहा जाता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के आपके इस बार 2019 में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन 2018 तक आपके 50 क्वेश्चन आते थे मानसिक योग्यता के और 50 क्वेश्चन दूसरे आते थे। कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन इस बार 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के और 40 क्वेश्चन दूसरे, कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे आपको यहां पर मिलने वाले हैं। 2018 तक भी आपको 2 घंटे मिलते थे, आज भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। लेकिन मार्क्स ये भी 100 मार्क्स का होता था और ये भी आपके 100 मार्क्स का होगा। ओके, तो इतनी तो इंफॉर्मेशन शायद आपके पास थी। अब देखिए, मानसिक योग्यता के सबसे पहला जो पार्ट है, उस पार्ट को भी कई पार्ट्स में और बांट दिया जाता है। जैसे कि लिखा आता है क्वेश्चन नंबर 1-5। तो पहले क्या होता था 2018 तक की मैं बात कर रहा हूं, 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके आए हैं उनमें से मानसिक योग्यता के 5-5 क्वेश्चंस के सेट होते थे। सेट का मतलब 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन होते थे वो एक ही प्रकार से सॉल्व करने होते थे। फिर 6 से 7 जो आगे वाले क्वेश्चन थे वो एक ही प्रकार से सॉल्व करने होते थे, इस प्रकार से सेट होते थे। लेकिन इस बार मेरे हिसाब से 2019 में 4-4 क्वेश्चन के सेट होंगे, क्योंकि आपके कुल 40 क्वेश्चन ही है ना। लेकिन अभी हम 2016 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए उसे सॉल्व कर देते हैं। उसमें क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिएगा, 1 से 5 तक का जो है वो क्या कहता है, देयर आर 4 figures 1, 2, 3 and 4। आउट ऑफ दीज 4 figures 3 figures आर सिमिलर बट 1 figure इज डिफरेंट, स्पॉट आउट द डिफरेंट फिगर। यानी कि आपके सामने 4 आकृतियां दी हुई हैं, उनमें से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ हद से समान हैं, इक्वल हैं, या फिर कह सकते हो सिमिलर हैं, लेकिन 1 आकृति ऐसी है जो डिफरेंट है, जो अलग है, हमें उसे चूज करना है। इसी प्रकार से सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो इनके बॉक्स बने होते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बने होते हैं, 4 बॉक्स होते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर भी आपका सॉल्व हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप सीख भी जाओगे कि भाई क्वेश्चन कैसे आखिर सॉल्व करने होते हैं। तो मान लीजिए ऐसे 4 बॉक्स हैं, तो ये देखिए मेरे सामने ये जो है पहला, ये जो बॉक्स है देखो 1, 2, 3, 4, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 बॉक्स होते हैं। तो यहां पर देखिए चारों बॉक्स में सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें क्या किया गया है कि ऐसे गोल बनाया गया है पूरा, देखिए ये कंप्लीट गोल है, फिर ऐसे करके ऐसे बॉक्स करके नीचे की साइड कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। दूसरे वाला जो है उसमें क्या किया गया है कि ये तो पूरा गोल था
लेकिन इस बार गोल पूरा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है। देखो आप ध्यान से अगर देखते हो शेप को, तो ये देखिए कि इसको थोड़ा सा ऐसे किया गया, कंप्रेस किया गया ऊपर से और नीचे से, यानी कि टॉप और बॉटम से थोड़ा सा कंप्रेस्ड है ये, लेकिन फिर भी शेप वो का वो है इस प्रकार से, है ना। तीसरे में क्या किया गया है, ऐसे, यानी कि इसमें टॉप और बॉटम से कंप्रेस किया था, यहां पर लेफ्ट और राइट से कंप्रेस किया गया, लेकिन चीज वो की वो है ना। अब चौथे की बात करें तो पूरा पूरा गोल है ये, चौथा है ये, पूरा पूरा गोल है, और यहां पर एक प्रकार से ऐसे शेप बनाया गया है, है ना जी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला, ये चार है ना, तो पहला और चौथा लगभग सेम है, कंप्लीटली सेम ही है, चौथा और पहला तो सेम हो गया, है ना। तो ये तो चीज कंफर्म हो गई कि भाई जो हमारा आंसर है वो या तो दो है और या है तीन। क्यों है? क्योंकि देखिए पहला भी पूरा गोल है, चौथा भी पूरा गोल है, पहले के अंदर इस प्रकार का शेप है, यहां पर भी इस प्रकार का शेप है, यहां पर ऐसे है, नीचे नीचे भी ऐसे है। तो कुल मिलाकर पहली आकृति और चौथी आकृति लगभग पूरी सेम हो गई, तो हमारा आंसर या तो दो होगा या होगा तीन। अब यहां पर हमें यह देखना है कि दूसरे और तीसरे में ऐसी कौन सी चीज है जो पहले और चौथे में है, या फिर वो पहले और चौथे के समान है। तो यहां पर जब हम इसको देखते हैं तो यहां पर भी इस प्रकार का शेप है, यहां पर भी इस प्रकार का शेप है। अगर हम गोले की बात करते हैं, अगर हम यहां पर गोले की बात करते हैं तो यहां पर तो पूरा गोल है, यहां पर भी पूरा गोल है, लेकिन यहां पर ऊपर नीचे कंप्रेस है, यहां पर लेफ्ट राइट कंप्रेस है। तो ना तो ये इसके सेम है और ना ये इसके सेम है, तो यहां पर हम कोई अलग चीज नहीं निकाल सकते। अलग चीज कहां से निकलेगी? यहां पर देखिए इस प्रकार का शेप है तो यहां पर भी ऐसा शेप है, तो ये भी चेंज नहीं है। यहां पर आप देखिए नीचे की साइड इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन इसमें गोला बना हुआ है, और यहां पर भी एक का एक गोले के टाइप का है। इसका मतलब तीसरा, चौथा और पहला सेम है, तो हमारा कौन सा हो गया आंसर? दो नंबर वाला। ये डिफरेंट है, क्यों है? क्योंकि इसके नीचे की साइड इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन इन तीनों के देखिए ऐसे बना हुआ है गोला, यानी कि नीचे थोड़ा सा गोल है, राउंड है, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ऊपर की ओर लाइन, नीचे की ओर लाइन, ऊपर की ओर लाइन, नीचे की ओर लाइन, इधर लाइन, इधर, इधर और फिर इधर। चलिए फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, है ना, ये सब सेम है, यानी कि इनकी हाइट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए लास्ट वाला क्या कहता है? ये देखो, इस प्रकार से ये चार शेप हमारे सामने दिए हुए हैं। अब इन चार शेप में क्या है? ये पहला शेप, ये दूसरा शेप, ये तीसरा शेप और ये चौथा शेप। ये है चौथा, है ना, ये वाला। चलिए अब हमें देखना क्या है कि कौन सा सेम है। तो देखिए यहां पर ये ऊपर की साइड जा रहा है, एक नीचे की साइड आ रहा है, और ये है लेफ्ट राइट, ये ऊपर नीचे और ये है लेफ्ट राइट। तो तीन तो कोई ऐसे है ही नहीं जो सेम है, है ना। लेकिन यहां पर एक कॉमन चीज आ रही है। क्या आ रही है? पहला जो तीर है वो ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा नीचे की ओर, ऊपर नीचे। यहां पर आप अगर इसको देखते हो, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, यानी कि ओपोजिट डायरेक्शन में है। मान लीजिए ये है डाउन तो अप, डाउन अप, ये देखिए अप डाउन, अप डाउन,
यानी कि 1 2 1 2, मैं अगर इसको 1 कहता हूं तो 2, ये 1 तो ये 2, यहां पर भी 1 2 1 2, यहां पर भी अगर ये 1 है तो ये भी सेम है तो 1, ये 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन यहां पर वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको अगर मैं 1 मानता हूं तो फिर ये 1 है और ये है 2 2, तो ये 1 2 और 2 1 हो गया, मतलब कि चेंज हो रहा है। यहां पर अप डाउन था, यहां पर अप डाउन था, यहां पर लेफ्ट राइट था, लेकिन यहां पर क्या है? राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, सीरीज जो थी वो टूट रही है यहां पर, यहां पर, क्योंकि यहां पर सेफ होना चाहिए था। कैसा? ये तीर इस साइड होना चाहिए था और फिर हमारा आंसर सही होता, लेकिन अब हमारा आंसर बी हो चुका है क्योंकि ये इन सबसे डिफरेंट है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दो तीन, ये चार, है ना, ये चार बन गए। अब तीसरे क्वेश्चन का कहना है, इनके अंदर इस प्रकार से क्रॉस बना दिया इसने, ये लो, है ना, ये सब सेम है अभी हाल फिलहाल, अब तक तो सब सेम है, ठीक है ना। अगर आपको कोई डिफरेंट अभी लग रहा हो तो वो मत मानना, क्योंकि शेप शायद थोड़ा मैं बनाने में दिक्कत हो सकती है। ये देखिए इस प्रकार से तो पहले शेप बना दिए गए हैं। अगर आपके पास 2016 का क्वेश्चन पेपर है तो ठीक, ना हो तो हमारी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप वहां पर जाकर 2016 का क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, है ना। चलिए, और यहां पर क्या दिया गया है? एक ऊपर बिंदी, एक नीचे बिंदी, एक बिंदी लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब इसमें तो कोई छोटा बच्चा होगा वो भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां पर देखिए एक बिंदी ऊपर नीचे, यहां पर भी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यानी कि पहला तीसरा और चौथा ये तो कंप्लीटली सेम हो गए, ये तो बिल्कुल सेम है, हूबहू, यानी कि एकदम सेम है, 100% सेम है, तो हमारा आंसर हो गया दूसरा, क्योंकि हमें वो चूज करना है जो किसी के भी सेम ना हो, किसी के भी समान ना हो, है ना, तो इसका भी आंसर था दूसरा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? पहला ऑप्शन ऐसा है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कुछ ऐसे, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कुछ ऐसे, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन कह रहा है कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे। चलिए तो अब इनमें से हमें चूज करना है। यहां पर आपको तीन चीजें दिख रही होगी कि हर आकृति में, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इनमें तीन चीजें हैं। एक तो है स्ट्रेट लाइन, एक है ट्रायंगल और एक है स्क्वायर। स्क्वायर कह दो या फिर रेक्टेंगल कह दो, कुछ भी कह दो, स्क्वायर है ना। ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया ट्रायंगल और ये होगी स्ट्रेट लाइन। ये ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो अब तो हम कह सकते हैं कि सबके सब सेम हो गए, लेकिन इनके बावजूद इनमें डिफरेंट है। क्या है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर की साइड है ट्रायंगल और नीचे की साइड है स्क्वायर, यानी कि ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों ओपोजिट साइड में है, अल्टरनेट पर है। कहां पर है? अल्टरनेट पर। इसमें तो अल्टरनेट पर है, इसमें भी अल्टरनेट पर है, इसमें भी अल्टरनेट पर है, लेकिन इसमें दोनों एक ही साइड में है। यहां पर देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के इस साइड ट्रायंगल है और उसी साइड में स्क्वायर है। इसका मतलब
आंसर निकल गया, तीसरा हमारा सही आंसर हो गया, है ना। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, पांचवा क्वेश्चन में ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखिए कुछ ट्रायंगल इस प्रकार का कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये ट्रायंगल के सामने ऐसे एक लाइन जा रही है ना, ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसी प्रकार से कहता है कि भाई एक ऐसी लाइन खींच दो और उसके सामने की साइड एक ऐसा बना दो तीर। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि भाई एक इस प्रकार से ट्रायंगल बना दो और उसके सामने साइड ले जाओ, भले कोई दिक्कत नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि ऐसा ट्रायंगल बनाओ, ये करो, ऐसा करो और इस साइड लेके जाओ, बस ये हो गया, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज हमारे सामने आ रही है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, इसमें भी एक तीर 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 है। तीर का मतलब होता है एरो, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ध्यान रखना है ना। अब कहेंगे कि कहां पर डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट होता है, डिफरेंट कहां होता है, उनकी पोजीशन पर, कि उनकी पोजीशन कहां है। तो पोजीशन की अगर बात करें तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आप जानते हो क्या, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये ना तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि ये तीनों इक्वल हो गए तो ये तो अलग हो ही गया। अगर ऐसे भी आपको ना मिले, मान लो कि ऐसे भी आपको अगर इसका जवाब ना मिले, तो इसका तो आंसर हो गया हमारा पहला, ये तो कंफर्म हो गया। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मान लो यहां पर भी ऐसा का ऐसा शेप आ गया सेम, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये चेंज क्या कर सकता है, ये चेंज कुछ उल्टा कर सकता है, ये देखो अब ये चेंज हो गया। अब हम यहां पर कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सब इक्वल है, लेकिन चेंज क्या है कि इसमें जो तीर है वो तीर वर्टेक्स की ओर जा रहा है, ये तीर वर्टेक्स की ओर जा रहा है, ये भी तीर वर्टेक्स की ओर जा रहा है और ये भी तीर वर्टेक्स की ओर जा रहा है, लेकिन यहां पर वर्टेक्स से तीर आ रहा है बेस की ओर, ये इसका बेस है, इसका बेस है, इस बेस की ओर आ रहा है, यानी कि इस तीर का जो मुंह है वो बेस के ऑपोजिट में है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं बेस से ही तो तीर निकल रहा है, यहां पर भी बेस से तीर निकल रहा है और यहां पर भी बेस से ही तीर निकल रहा है, इसीलिए तीनों सेम हो गए लेकिन ये अलग हो गया। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन चूज हो जाता है। अब चलिए इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो आगे वाले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो में आज ही अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बीच में रेस्ट करने वाला हूं, थोड़ा वाटर वगैरह। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक ऑल राउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से। मैं भी सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, मिलते हैं आपसे हमारे किसी ऐसे ही नेक्स्ट कास्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।